हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे टिश्यू प्रोसेसिंग के एमसीक्यूज के बारे में। टिश्यू प्रोसेसिंग टॉपिक मेरे चैनल में कंप्लीट हो गया है, तो टिश्यू प्रोसेसिंग टॉपिक के ऊपर कैसे एमसीक्यूज बनते हैं इस वीडियो में उसके बारे में जानकारी दी गई है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कैसे एमसीक्यूज बनते हैं। तो लेट्स गो। In which of the following process removal of calcium from tissue take place? Removal of calcium from tissue. तो calcium को कैसे remove करते हैं tissue से, उस process का नाम क्या है, ये अपने उनसे पूछा है। तो अपना first option अपने पास है embedding, dehydration, fixation या decalcification। तो embedding तो हो नहीं सकता, क्योंकि embedding में तो tissue को अपन embed करते हैं paraffin wax में, तो ये गलत हो गया। डिहाइड्रेशन में अपन वाटर को रिमूव करते हैं टिश्यू से, तो ये भी गलत हो गया। फिक्सेशन में अपन फिक्स करते हैं टिश्यू को, तो ये भी गलत हो गया। तो डीकैल्सिफिकेशन जो कि फोर्थ ऑप्शन है, वो सही आंसर हो जाएगा। डीकैल्सिफिकेशन मींस रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम टिश्यू। डीकैल्सिफिकेशन मींस रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम टिश्यू इज कॉल्ड डीकैल्सिफिकेशन। नाम से भी आपको थोड़ा सा लग जाएगा अंदाज़ा कि डीकैल्सिफिकेशन मींस रिमूवल ऑफ कैल्शियम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज लिंक्ड विथ रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम टिश्यू। रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम टिश्यू, तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि डिहाइड्रेशन इज रिमूवल ऑफ वाटर, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला। Which of the following agent is mostly used for clearing? Clearing के लिए कौन सा clearing agent use होता है mostly? तो clearing agent के बारे में मैंने आपको टॉपिक में बताया था, जिसने वो वीडियो नहीं देखी टिश्यू प्रोसेसिंग की वो देख ले। क्लियरिंग एजेंट होते हैं जो क्लियरिंग करने में मदद करते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है एक तो ज़ाइलिन, सेकेंड होता है बेंजीन, थर्ड होता है टॉलिन, फोर्थ होता है सिडारवुड ऑयल, और फिफ्थ होता है अपना क्लोरोफॉर्म। तो ज़ाइलिन अपना जो है वो क्लियरिंग एजेंट है, तो ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। पिक्रिक एसिड अपना जो है वो ये तीनों, पिक्रिक एसिड, अल्कोहल एंड फॉर्मरीन, ये फिक्सेटिव्स हैं, तो ये ऑप्शन गलत होगा। विच पीस ऑफ हिस्टोलॉजी इक्विपमेंट इज नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट? इनमें से कौन सा हिस्टोलॉजी इक्विपमेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता, कौन सा नहीं होता? तो वैक्स अपना टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। टिश्यू प्रोसीजर जिसमें अपने पूरे टोटल 12 वो बॉक्स रखे होते हैं टिश्यू प्रोसेसर, जो कि ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर भी अपन बोल सकते हैं, तो उसमें वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। उसमें भी टेम्परेचर का अपन को ध्यान रखना पड़ता है। 12 बॉक्सेस होते हैं जिसमें। माइक्रोटोम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ऐसा इक्विपमेंट है हिस्टोपैथोलॉजी में जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता। इसमें कुछ भी टेम्परेचर नहीं होता, इसमें सिर्फ एक, जैसे रोटेटरी माइक्रोटोम को अपन देख लें, जो कि मेरे वीडियो में मैंने माइक्रोटोम के टॉपिक में आप लोग को समझाया है, वो भी आप टॉपिक देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं उसमें। तो ये जो माइक्रोटोम है अपना इक्विपमेंट, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, माइक्रोटोम। एम्बेडिंग सेंटर भी जो अपना है वो टेम्परेचर डिपेंड।
जो अपना फिक्सेटिव होता है वो सेल मॉर्फोलॉजी चेंज नहीं होने देता, श्रिंकेज भी नहीं होने देता, टिश्यू को हमेशा लाइफ लाइक कंडीशन में रखता है और स्टेनिंग प्रोसेस को भी फैसिलिटेट करता है। तो इसका इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द टाइम टेक फॉर क्लियरिंग इन ज़ाइलिन इज अप टू। क्लियरिंग के लिए ज़ाइलिन में कितने टाइम के लिए रखना है, 3 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए या 24 घंटे के लिए? तो इसका सही ऑप्शन है 2 आवर्स। 2 घंटे के लिए अपन ज़ाइलिन में रखते हैं। अगर आपने ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर देखा होगा तो उसमें टोटल मिला के 12 बॉक्सेस होते हैं, या 12 अपन कह सकते हैं जार होते हैं, जिसमें से 6 जार तो अल्कोहल के आ गए डिहाइड्रेशन के, उसके बाद 3 जार आ जाते हैं क्लियरिंग के और 3 आते हैं पैराफिन वैक्स के। तो अपन इसमें तीनों में 2 घंटे रखते हैं, किसी किसी में ये 2 भी होते हैं, तो 1 घंटा 1 घंटा, और इसके 4 होते हैं किसी किसी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 आवर्स। ग्रॉसिंग मीन्स, ग्रॉसिंग का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पैथोलॉजी स्पेसिमेन आर इंस्पेक्टेड विद द बेयर आई, बी। पैथोलॉजी स्पेसिमेन आर इंस्पेक्टेड बाय मेकिंग पैथोलॉजी स्पे, ऑप्शन बी देख लेते हैं। पैथोलॉजी स्पेसिमेन आर इंस्पेक्टेड बाय मेकिंग सेक्शन अंडर माइक्रोस्कोप। ये तो पहले ही गलत हो गया, माइक्रोस्कोप से तो देख नहीं सकते। पैथोलॉजी स्पेसिमेन आर इंस्पेक्टेड आफ्टर मेकिंग सेक्शन एंड बाय स्टेनिंग। स्टेनिंग तो कर ही नहीं सकते। डी, बोथ बी एंड सी। तो ये भी गलत हो गया, आंसर ए आ जाएगा। पैथोलॉजी स्पेसिमेन आर इंस्पेक्टेड विद द बेयर आई। सबसे पहले अपन ग्रॉसिंग में मैंने आपको पढ़ाया है, आपने वीडियो देख लीजिए तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने आपको पढ़ाया है कि पैथोलॉजिस्ट जो अपना होता है डॉक्टर, वो पहले अपने टिश्यू को एग्जामिन करता है, देखता है, उसका साइज लेता है, उसका रिक्वेशन फॉर्म देखता है, ये सब कुछ करता है। उसके बाद वो अपन को टिश्यू का इन्फेक्टेड एरिया, ये टिश्यू का इन्फेक्टेड पार्ट कट करके देता है टिश्यू प्रोसेसिंग के लिए, उसी को बोलते हैं ग्रॉसिंग। सब्सक्राइब करें ऑल अबाउट बीएमएलटी चैनल को बीएमएलटी स्टडी मटेरियल पाने के लिए।